अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे, खैर वाफियत के साथ रखे, अपने अपने घरों में खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। और जी, कराची का मौसम आज भी बादलों से घिरा हुआ है, बहुत ज़ोरों की बारिश की पेशनगोई की गई है। और जिस दिन का आगाज़ हो चुका है, आज बच्चों की छुट्टी है, हुकूमत की तरफ से ऐलान हो गया था रात में ही, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश है। तो बस बच्चे आज जो है अपने और बस बच्चे अपनी अपनी रूटीन में और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और मेरा वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है और बस डेली होमवर्क जो हमारा होता है रेगुलर का वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है शामिर अपनी ब्लास्ट करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं कि मैं किसी तरह ये ब्लास्ट कर लूँ, तो वो इस कोशिश में मसरूफ़ है, मशगूल हैं। और यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था, तो बस नाश्ता किया है आज हम सब बच्चे और हम सब मिलकर एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे शामिर अपनी शरारतों में मसरूफ़ है, शरारत में उन्होंने अपने साथ जो है गलती कर ली, वो जो है थोड़ी सी शरारत उनके ऊपर भारी पड़ गई। अब वो फंस चुके हैं, कह रहे हैं कि कोई मुझे निकाले, कोई मुझे बचाए, लेकिन जो है हम सब तफरी ले रहे थे। लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा शरीर तबीयत है हमारी मुन्ने की। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ करेले कीमे की रेसिपी। करेला कीमा अभी बनाएंगी, तो बस मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ रेसिपी की। तो इसको फ्राई किया था, उसमें जो है मैंने लहसुन का पेस्ट डाला था और फिर ये मसाले एक साइड पर निकाल के रख लिए थे, जिसमें लाल पिसी मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया, ज़ीरा और सौंफ और कलौंजी का पाउडर। ठीक है, प्याज फ्राई करके उसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, फिर और लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट चाहिए, तो उसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम टमाटो डालेंगे, टमाटो आज फिर हम फ्रोज़न यूज़ करेंगे। टमाटो ऐड करने के बाद हम सारे मसाले जब भी ऐड कर देंगे, क्योंकि फिर जब टमाटो मेल्ट होगा तो फिर सारे मसाले भी उसके साथ जो है भून लिए जाएंगे। और फिर थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे और फिर जो है इसमें हम साथ ही कीमा भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कीमा गलेगा तो फिर हम एक साथ उसकी भुनाई कर लेंगे, जब कीमा गल जाएगा तब एंड में। ठीक है, अब उसमें हम कीमा ऐड करेंगे। और जी, यहाँ पर कीमा तकरीबन भुनने की शक्ल पर आ चुका है, ऑयल भी ऊपर आ रहा है। और बस हम दूसरी साइड पे करेला फ्राई कर लेंगे। करेला जो है थोड़ा थोड़ा मैंने फ्राई किया था, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर एक साथ कर लिया था, साथ करके उसके बाद अब हम कीमे को फाइनल टच देके इसमें करेले ऐड कर देंगे। ऑलरेडी फ्राई तो इसको गलाने का चक्कर तो है नहीं, फिर इसको सही से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर करेला कीमा हमारा रेडी टू ईट है। बहुत मज़े के यम्मी बने थे, आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, आपको भी मज़ा आएगा, बहुत आसानी से ईज़िली बन गए। मसाले सब एक साथ हम डाल के जो रखे थे ताकि जो है गले एक साथ, तो फिर आखिर में उसकी भुनाई हो गई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़े के बहुत यम्मी बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली को, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।